टीवी इंडस्ट्री से आई है वो दुख भरी खबर जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। नहीं रहे सीरियल भाभी जी घर पर हैं के मलखान। शायद इस खबर पर यकीन कर पाना आपके लिए भी बेहद मुश्किल होगा, लेकिन अफसोस ये ऐसा कड़वा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लोगों को हंसाने वाला वो सितारा अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू देकर चला गया है। महज 41 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए हैं टीवी इंडस्ट्री के सबसे चहीते कॉमेडी स्टार्स में से एक दीपेश भान। दीपेश के निधन की दुखद खबर से पूरे टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं दीपेश के सीरियल भाभी जी घर पर हैं के सेट पर तो मानो मातम पसरा है। दीपेश के निधन की दुख भरी खबर जिसे भी मिली हर कोई सन रह गया है। जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई को दीपेश भान क्रिकेट खेल रहे थे और खेल के बीच में ही अचानक गिर गए। वहां मौजूद लोग आनन फानन में दीपेश को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपेश दम तोड़ चुके थे। अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टरों ने दीपेश को मृत घोषित कर दिया। दीपेश के निधन की दुखद खबर से पूरी टीवी इंडस्ट्री गम में डूब गई है। हालांकि अभी तक दीपेश की मौत की असल वजह सामने नहीं आई है। दीपेश के अचानक निधन से उनके सभी करीबी दोस्त गहरे सदमे में हैं। वहीं सीरियल में मलखान के साथ टीका का रोल प्ले करने वाले एक्टर वैभव माथुर ने भी दीपेश के निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, वो अब नहीं रहे। इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बोलने को कुछ बचा भी नहीं है। महज 41 साल की उम्र में मलखान यानी कि दीपेश भान ये दुनिया छोड़ गए हैं। वो अपने पीछे परिवार में पत्नी और 1.5 साल के एक बेटे को छोड़ गए हैं। साल 2019 में दीपेश ने दिल्ली की रहने वाली लड़की से शादी की थी। दीपेश की वाइफ लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। बीते साल जनवरी में दीपेश एक बेटे के पिता बने थे। वो अक्सर अपने नन्हे बेटे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे, लेकिन अब 1.5 साल के नन्हे से बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है। दीपेश की वाइफ अपने नन्हे बच्चे के साथ अकेली रह गई हैं। पति की मौत से उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो